आप देख रहे हैं न्यूज़ वाले इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सपा के सम्मेलन के बाद अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश से भाजपा भागेगी तभी केंद्र से उसका सफाया होगा। इसके लिए हमें बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत बनाना और जनता के बीच अपनी नीतियां कार्यक्रम पहुंचाना होगा। वहीं सपा के विभिन्न राज्य के प्रदेश अध्यक्षों ने कहा कि वे सब सपा को राष्ट्रीय दल की मान्यता दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश यादव शुक्रवार को समाजवादी पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग ने मिलकर समाजवादी पार्टी से सत्ता छीनी है, ऐसा उन्होंने कहा। भाजपा तमाम तरह के षड्यंत्र कर रही है, वो भय और प्रलोभन की राजनीति कर रही है। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर सफर महंगा हो गया है। जी हाँ, शुक्रवार रात 12 बजे से नेशनल हाईवे 9 पर टोल बढ़ा दिया गया। रेलवे ओवर ब्रिज का काम पूरा होने के बाद ये बढ़ोतरी की गई है। अब नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद की तरफ से जाने वाले वाहनों को पिलखुआ स्थित छिजारसी टोल प्लाजा पर ज्यादा टैक्स देकर निकलना होगा। इसके लिए NHAI ने दरें निर्धारित कर दी हैं। इस टोल से रोजाना 40,000 वाहन निकलते हैं। अधिकारी पुनित खन्ना ने बताया कि बढ़ी टोल दरें शुक्रवार रात से लागू हो गई हैं। छिजारसी टोल से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन चालकों का पास 315 रुपए में बनाया जाएगा। पहले ये पास लगभग 275 रुपए में तैयार किया जाता था। योगी सरकार ने बरेली और मेरठ के कमिश्नर सहित 7 IAS अफसरों का तबादला कर दिया। सिल्वा कुमारी ड्रे को मेरठ का मंडलायुक्त और सारिका मोहन को बरेली का मंडलायुक्त बनाया गया है। सुरेंद्र सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए हैं। सचिव बाल विकास अनामिका सिंह निदेशक ICDS और ऋतु महेश्वरी को ग्रेटर नोएडा के CO का काम दिया गया है। प्रवीण मिश्रा को विशेष सचिव, नमामि गंगे प्रभाष कुमार को ACIO नोएडा, आनंद वर्धन को ACIO ग्रेटर नोएडा बनाया गया है। पूजा यादव को CDO रायबरेली और सुमित यादव को CDO मुरादाबाद बनाया गया है। आजम खान पर लगातार कानूनी सिकंजा कसता चला जा रहा है। पहले उन पर ओरिएंटल कॉलेज की दुर्लभ किताबें चोरी और रोड क्लीनर मशीन चोरी से जुड़े मामले को लेकर पुलिस से कार्रवाई हुई। अब एक बार फिर जिला और पुलिस प्रशासन हरकत में आई है और साल 2005 में नगर पालिका की तिजोरी चोरी को लेकर SDM सदर और CO सिटी अनुज चौधरी की अगुवाई में आजम खान के रिजॉर्ट की भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में तलाशी ली गई। हालांकि घंटा भर से ज्यादा चले इस तलाशी अभियान में पुलिस के हाथ बेरंग ही रहे। आजम खान साल 2005 में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। इसी दौरान रामपुर की नगर पालिका की तिजोरी चोरी होने की घटना घटी। इस तिजोरी में पालिका कर्मियों की तनख्वाह सहित 11,50,000 रुपए की नकदी थी। वहीं कुछ कारतूस भी चोरी हुए थे। ये क्राइम नंबर 77 है 2005 का, उसमें एक तिजोरी चोरी का मुकदमा लिखा गया था। ये तिजोरी नगर पालिका से चोरी थी, उसी के संबंध में सूचना थी, मुखबर की इस पर सूचना थी कि हाँ ये तिजोरी मिल सकती है। बाकी सर्च किया गया, कुछ मिला नहीं है। ये तो मुखबर की सूचना थी और विवेचना का पार्ट है। बाकी जो सर्च वारंट नहीं मिला, वो कहाँ का नहीं मिला, वो न्यायालय की प्रक्रिया है। उसके अनुसार जो न्यायालय आदेश करेगा उसी आधार पर कार्रवाई। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग लगातार एक्शन में दिख रहा है। दरअसल पूरा मामला इमलिया सुल्तानपुर का है, जहां पर चल रहे अभय नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान इमलिया सुल्तानपुर में भाजपा नेता के घर में चल रहे फर्जी नर्सिंग होम को स्वास्थ्य विभाग टीम ने सीज किया है। अवैध रूप से नर्सिंग होम संचालित था, इसका कोई पंजीकरण नहीं था, ना ही दिल्ली वाले कोई चिकित्सक यहाँ जारी कर रहे थे। एक मरीज जिसका नाम निर्देश है, यहाँ ऑपरेशन द्वारा उसका बच्चा मतलब निकाला गया, प्रसव किया गया। इसी क्रम में इसको अवैध रूप से संचालित होने के क्या कमी पाई गई यहाँ पे? यहाँ कोई भी पंजीकरण नहीं था हॉस्पिटल का, ना ही कोई डिग्री वाला चिकित्सक था। तो सर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? इसको सील किया गया, ठीक नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और FIR भी दर्ज की। मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से चलती कार की छत पर बैठकर स्टंट करते हुए एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसके बाद किसी ने इसे ट्विटर के जरिए मुरादाबाद पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचा दिया, जिसके बाद हरकत में आई मुरादाबाद पुलिस ने स्टंट करने वाले युवक की पहचान कर ली और अब उसके खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। मामले को लेकर SP ट्रैफिक अशोक कुमार ने कहा कि स्टंट करने वाले की जानकारी निकाली जा रही है, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बैठ के स्टंट कर रहा है, इसका नंबर
विजिबल है नंबर को लेकर, उस पर ई चलान ऐप से डिटेल निकाल लिए गए हैं, उसके विरुद्ध उसकी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इस तरह के स्टंट जैसे जानलेवा स्टंट हैं, तो इसके लिए कोई आपके द्वारा कोई डायरेक्शन भी दी जाएगी जो लोग ऐसे ही चीज़ों से बचे? इसके लिए बहुत पहले से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी तमाम मिनिस्ट्री के तरफ, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की तरफ से भी बहुत से वीडियोस तमाम फ्लैश करते रहते हैं कि अमेठी में गालीबाज डॉक्टर की दबंगई सामने आई है। यहाँ एक शराबी डॉक्टर देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं पीएम को गाली देने के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही भाजपा के पदाधिकारियों ने गालीबाज डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग की है। अमेठी के पुरवा गांव में पटाखा बनाते वक्त एक युवा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। फर्रुखाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने देर रात लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने ऑटो पार्ट्स व्यापारी से लूटपाट की। व्यापारी अपनी दुकान से वापस आ रहा था, इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी की आंखों में मिर्च स्प्रे कर रुपयों से भरा थैला लेकर हवाई फायरिंग करते फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच कर रही है। पीलीभीत में अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चला। दरअसल तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसको लेकर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। केदारनाथ के पास हिमस्खलन की घटना सामने आई है। बर्फ के पहाड़ खिसकने यानी कि एवलांच के सामने आए वीडियो डराने वाले हैं। हालांकि स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक बर्फ के इस पहाड़ के खिसकने से केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। घटना को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने बताया कि हिमालय क्षेत्र में सुबह हिमस्खलन हुआ है, लेकिन केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। केदारनाथ मंदिर के पास बर्फ का पहाड़ खिसकने का वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जनाक्रोश लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार देर शाम सिद्धारगंज में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी नगर के मुख्य चौक में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। मृतका की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई गई। वरिष्ठ समाजसेवी और भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश मित्तल ने कहा कि ऋषिकेश में हुई इस घटना से पूरी देवभूमि को शर्मसार कर दिया। अंकिता के हत्यारे को फांसी मिलनी चाहिए। देवभूमि पर ऐसा जघन्य हत्याकांड, ऐसा जघन्य कृत्य हुआ है, जिसके लिए हम सभी भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और सारा देश, सारा उत्तराखंड अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। देवभूमि बड़ी शर्मसार हुई है। ये उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की बेटी अंकिता के साथ में जो दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म के पश्चात जो उसकी निर्मम हत्या की गई, उसकी हम सभी निंदा करते हैं। इस देवभूमि को कलंकित करने का जो कार्य जिस दुष्टों ने किया है, इसकी यशस्व युवा मुख्यमंत्री जी ने भी जांच बढ़ा दी है और उपचार करवा लिया गया है और हम दिनेशपुर में बेल के पेड़ की पूजा और गंगा नदी की पूजा अर्चना के बाद दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। सुबह दुर्गा मंदिर प्रांगण में क्षेत्र की तमाम महिलाएं, खासतौर से बंगाली समाज की महिलाएं अपनी संस्कृति की वेशभूषा में सजकर मंदिर पहुंचकर देवी मां का आवाहन करती हुई नजर आईं। इस दौरान दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष मृत्युंजय सरकार ने कहा कि इस बार दुर्गा पूजा बहुत ही आकर्षण और भव्य होने जा रही है। जो सजावट की व्यवस्था है, ये लाइटिंग की व्यवस्था हमने कोलकाता से स्पेशल दुर्गापुर से मंगवाया है। उसके द्वारा मंदिर के चूड़ा और मुख्य गेट को बहुत ही भव्य रूप से सजाया गया है और जो मंदिर का डेकोरेशन है वो भी यहाँ के लड़कों के द्वारा बहुत ही सुंदर रूप से सजाया गया है। दुर्गा पूजा महोत्सव ये बंगाली समाज का सबसे बड़ा त्यौहार है और ये शारदीय नवरात्र के अवसर पर होती है। और ये दिनेशपुर जो है एक शहर उत्तराखंड की एक तरह से कहा जाए तो सांस्कृतिक राजधानी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पे तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, उसके साथ भारी संख्या में बंगाली समाज के लोग यहाँ पे निवास करते हैं उत्तराखंड में। और सबसे बड़ी पूजा दिनेशपुर में होती है और षष्ठी से इस बार शुरुआत हो रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।